जी स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर आई होप आप सब खैरियत से होंगे मेरा नाम क्रिस्टीना मुबारक है और मैं आपको वेलकम करती हूँ आज के हमारे इस लेक्चर में जो कि नाइन्थ क्लास की बुक पे है आज हम नाइन्थ क्लास की बुक स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ में आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे ईजी कॉन्सेप्ट होंगे ताकि आपकी हेल्प भी हो जाए और ये जो लेक्चर्स हैं ये नाइन्थ क्लास भी देख सकती है और अगर आपको सही बात मैं बताऊँ तो ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत मज़े के लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं ईजी हैं तो जो भी इसको देखता है उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे कोई इतना नहीं है कि नाइन्थ क्लास ही देखे इसको क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो बेसिक uh, से आपको स्टार्ट करवाई जा रही हैं प्रोग्रामिंग uh, हो सकता है कि इसलिए सेटिंग की हो ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें नेक्स्ट लेवल पे आके तो इसको हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट में बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी है ताकि हौसला अफज़ाई होती रहे और मुझे भी पता चलता रहे कि मैं जो काम कर रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका ये जो यूनिट है इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाली हैं अगर कोई चीज़ ऐसी होती जो कि आपको पेपर पे या नोटबुक पे करवाने वाली होती तो मैं वो करवा देती लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपके डेफिनेशनस वगैरह ही हैं तो मैंने उस पर फोकस किया है ठीक है तो मेरे को स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली आपके जो फर्स्ट टू तो, थ्री पेजेस हैं ना उस पर सिर्फ यही बात बताने की कोशिश की गई है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होती है आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना होता है और फिर उसका सोलूशन निकालना होता है ये स्टेप्स बन जाते हैं ऐसे ही है ठीक हो गया क्लियर है आगे चलते हैं आपने बस मेरी बातें याद रखनी है आपको इतनी रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो फ़ाइव डब्लीज़ पे सॉल्व होती है अब आपने फ़ाइव डब्ल्यूज़ जो हैं उनको आपने ये जो आगे लिखा हुआ है ना लिस्ट ऑफ़ स्टूडेंट नेम्स ये आपको उन्होंने दिया हुआ है जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है ठीक है उसको आपने नहीं देखना फ़ाइव डब्ल्यूज़ के ऊपर आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो अब आप, आपके पास कोई मसला आता है तो आप पूछते हो भाई क्या हुआ कौन था क्यों हुआ कब हुआ कहाँ हुआ तो ये बातें जो होती हैं इस पर आप जब आपको इन चीज़ों का आंसर मिल जाता है तो आप एक प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं ऐसे ही जो है ना आपने फ़ाइव डब्ल्यूज़ के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है क्लियर हो गया उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपके पास कुछ सोल्यूशन होते हैं आपके पास प्लानिंग होती है आपने प्लान करना होता है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगा उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी बस आपने डेफिनेशन देख लेनी है ठीक है जिसमें आती है डिवाइड एंड कनकार ठीक है डिवाइड का मतलब ही ये होता है कि आपने तकसीम करना है ठीक है डिवाइड कर देना है ओके दिस स्ट्रैटी डिवाइड्स आ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स ये स्ट्रेटजी जो होती है वो क्या करती है किसी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देती है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इसको हम कहते हैं जी ये डिवाइड एंड कन रूल है क्लियर है ये आपके पेपर में नाइन्थ क्लास के पेपर में इसकी डेफिनेशन आ सकती है इसका एम सी क्यूज आ सकता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इसको जहन में रखिएगा उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप्स होती हैं प्रॉब्लम की आपने सोल्यूशन की कोई प्रोटोटाइप बना लेनी प्रोटो है प्रोटोटाइप क्या है जहन में हमारी क्वेश्चन आ रहा है तो जी प्रोटोटाइप जो है आगे आपने देखा है ये ड्रॉ लिखा हुआ है जब भी आपके पास ये वर्ड आता है प्रोटोटाइप तो आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई अगर प्रोटोटाइप की बात आ रही है तो बात हो रही है जी ड्रॉ करने की पिक्चर की ठीक है दिस टेक्निक ड्रॉज़ आ पिकॉर्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन अब आपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पिक्चर की फॉर्म में आपने उसको ड्रॉ करना है रिप्रेजेंट करना है ज़ाहिर करना है तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे उस सोल्यूशन का प्रोटोटाइप ठीक है आपके पास कोई प्रॉब्लम है आपने उसको पिक्चर की फॉर्म में शो करना है तो आप उसके लिए उसका बनाएंगे जी प्रोटोटाइप ये बस एक जो है लाइन की डेफिनेशन है इसको आपने रेडी कर ले ठीक है चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लो चार्ट फ्लो चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्टिंग आपकी अभी से स्टार्ट होगी और जब तक आप सी एस पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे ये आपके साथ चलेगी ठीक है इसको आप ध्यान से देख लें और इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ईजी है ये अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अच्छा जी वगैरह जी फ्लो चार्ट क्या होता है ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है अब जैसे हमने पहले देखा था पिक्चर की फॉर्म में आपने उसको रिप्रेजेंट करना है उसको हम कहेंगे जी ये प्रोटोटाइप है ठीक है और आपने फ्लो चार्ट की बात की है तो ग्राफिकली आपने किसी प्रॉब्लम के सुलूशन को आपने रिप्रेजेंट करना है लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टेप्स की फॉर्म में कि पहले मैंने क्या किया फिर मैंने क्या किया फिर मैंने क्या किया तो मैंने उसका फ्लो चार्ट बना दिया ठीक हो गया आपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट कैसे करना है स्टेप्स की फॉर्म में कि पहला स्टेप सॉरी पहला स्टेप क्या था दूसरा स्टेप क्या था थर्ड स्टेप क्या था स्टेप्स की फॉर्म में आपने उसके सोलूशन को सॉल्व किया है या रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप कहेंगे जी ये आप क्या करें हैं फ्लो चार्टिंग हो रही है ओके चलें जी वेरी गुड परेशान नहीं होना आपने ये बहुत इजी बुक है इसमें तो है ही सारी बेसिक्स क्योंकि ये न्यू वर्जन आया है बुक का बाकी जो पुरानी थी वो वो वाली बुक थी थोड़ी सी मुश्किल नहीं थी बट कॉन्सेप्ट इस पर ज़्यादा अच्छे अच्छा जी इनपुट इनपुट मीन टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र ओके जी ये एक लाइन जो इस पर गौर करते हैं इनपुट की बात आई और इनपुट का मतलब उसने कहा जी टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र यूज़र से डाटा को लेना इनपुट कहलाता है जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आप कंप्यूटर के यूज़र हैं आपने कंप्यूटर के अंदर डाटा कोई एंटर किया ठीक है कंप्यूटर ने आपसे डाटा टेक किया तो वो होगा इनपुट इनपुट लेने के बाद क्या करता है जी डाटा का वो प्रोसेस करता है उस पर काम करता है जैसे मैंने आपको अभी कोई बात बताई है तो मेरे जो मैंने जो, जो डाटा आपके अंदर आपको दिया है वो मैंने इनपुट किया है ठीक है और जब आप उस पर सोचोगे कि बाकी जो मैम बात कर रही हैं वो तो ठीक है वो आपके माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है और जब आप मुझे उसका आउटपुट दोगे यानी आप जब मुझे उसका आंसर दोगे तो वो आउटपुट होगा ठीक हो गया डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग टू डू ट माइंड वेदर आ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टिकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग ओके जी आपने फैसला करना होता है कि क्या जो स्टेटमेंट जिस बात की uh, जिस पर प्रोसेसिंग हुई है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है ठीक है और आपने कौन से जो तो, uh, मखसूस स्टेप्स हैं जो आपने लिए हैं जो तो आपने जिनके ऊपर आपने चल के तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ठीक है तो वो हमारी होगी डिसीजन मेकिंग आउटपुट की पहले मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे आउटपुट जो होते हैं वो आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यू दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स वही बात होगी जी हमारा जो आउटपुट होता है वो क्या करता है <coughs> डिस्प्ले करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिज़ल्ट निकलते हैं वही हमारा आउटपुट होता है क्लियर हो गया आगे चलते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से आपके एम आते हैं मे बी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए जिस सिंबल ऑफ फ्लॉचार्ट को आप रिप्रेजेंट करें उनके डिस्क्रिप्शन बताएं ठीक है यहाँ उसको अटैम्प्ट करें ठीक है तो आपने इसको लाजमी कर लेना है जैसे ये जो लाइन बनी हुई है ये फ्लो लाइन है जी ये बताती है जी किधर को डाटा जा रहा है उसका रुख क्या है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है या वो राइट साइड पे जा रहा है जिस भी साइड पे जा रहा है उस तरफ उसका मुँह हो जाता है ये जो हमारे पास टर्मिनल होता है टर्मिनल जो होता है वो आपके फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या फिर एंड करने के लिए यूज़ होता है क्या फ्लोर चार्ट हमने देखा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसी सो सोल्यूशन को ठीक है उसको सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसने कुछ सिम्बल्स उसने हमें कुछ सिम्बल्स दी हुई हैं जो हमने यूज़ करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा को अपने सॉल्व करना होता है डायमंड डायमंड की कभी भी बात हो जाए तो फैसले की बात होती है डायमंड कोई छोटी चीज़ थोड़ी है फैसला ही होगा इस पर तो।, <laughs> तो आपने जब भी डायमंड की बात आएगी जब भी तो आपने uh, याद रखना है कि सोल्यूशन के सॉरी डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड यूज़ होता है उसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा इस, है इसका रेक्टेंगुलर शेप है ठीक है और ये हमारे पास आती है जी इनपुट और आउटपुट लेने के लिए और कनेक्टर्स होते हैं हमारे पास ये सर्कल की फॉर्म में अब कनेक्टर क्या होता है कनेक्टर क्या आते हैं कनेक्टर कनेक्ट करते हैं आपका कोई फ्लो चार्ट है जैसे ये बुक है मेरे पास मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया इसका एक पेज ये है एक पेज ये है ठीक है मैंने फ्लो चार्ट बनाया था कि वो इसी पेज पर पूरा आ जाएगा लेकिन वो क्योंकि फ्लो चार्ट मेरा थोड़ा बड़ा हो गया तो वो इस पेज पर पूरा नहीं आ रहा अब मैं उसको क्या करूँ उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कनेक्टर जो मेरा फ्लोचार्ट बाकी बचा वो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊँगी लेकिन नेक्स्ट पेज पे मैं ऐसे तो नहीं ना लिख सकती उसके लिए मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस पेज वाले डाटा को दूसरे पेज वाले डाटा से तो उसके लिए मुझे कनेक्टर यूज़ करने पड़ेंगे क्लियर हो गया फ्लॉचार्ट बनाने में आपको अभी नहीं सिखाऊंगी पहले आप इसकी ये सारी डेफिनेशंस वग़ैरह कर लें फिर आपको ताकि समझ भी आए कि हम क्या कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि इजी काम को करना थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें ऐसा करें कि भूलें ना याद रहे एल्गोरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ओके जी सेट ऑफ स्टेप्स तो फ्लो चार्ट भी था अब आपने अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आया है कि टीचर Uh, आपने तो बोला था कि सेट ऑफ़ स्टेप्स जो हैं स्टेप्स की बात तो फ्लो चार्ट में भी हुई थी तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है अलगड़िदम में और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है अच्छा जी इट इज़ इन अचुरल लैंग्वेज ओके अब आपने देखा था कि फ्लो चार्ट में क्या होता है ये जो हमारे पास ये फ्लो चार्ट बना हुआ है ना ये स्टेप्स को हमने ग्राफिकली शो किया है यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी ना कि हम डाटा से सॉरी uh, इनपुट करते हैं डाटा को यूज़र से लेते हैं ठीक है इनपुट करवाते हैं या मैं ये भी कह सकती थी कि भैया आप अपना नाम बताओ ये बताओ वो बताओ स्टेप्स ही बनाने थे ना तो वो मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है तो वो जी फ्लो चार्ट है और अगर मैंने उसको अपनी ज़बान में कि मैं कहती हूँ वहाँ पे मैंने यूज़ किया था सिंबल यूज़ किया था स्टार्ट करने के लिए ये जो इसके अंदर स्टार्ट वगैरह लिखा है ये तो आपको सिखाने के लिए लिखा है ना वैसे तो नहीं लिखा होगा वैसे तो सिंबल देख के पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये जो हमारा प्रोचार्ट है ये स्टार्ट हुआ था ठीक है लेकिन आपने एलगोरिदम में क्या होता है आपने अपनी लैंग्वेज में स्टेप्स बनाने स्टेप्स ही हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना है जैसे मेरी लैंग्वेज अगर उर्दू है तो मैं बोलूँगी कि स्टार्ट ठीक है उर्दू में या इंग्लिश है तो मैं बोलूँगी कि अब मैं चाय बनाऊँगी तो कैटल लूँगी और जो भी उसकी सारी चीज़ें होती हैं सारी इकट्ठी करूँगी स्टेप बाय स्टेप उसका बताऊँगी कि लास्ट पे मैं क्या कर रही हूँ चाय मेरी बन गई है ठीक है और अगर मैं उसको फ़्लो चार्ट की फ़ॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ तो मुझे फिर उसको ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में करना पड़ेगा स्टार्ट के लिए मैं उसका बनाऊँगी सिम्बल बनाऊँगी फिर प्रोसेस होगा जो भी है ठीक है तो फ्लो चार्ट और मेन मैंने जो आपको समझाना था वो यही था कि आपने ग्राफिकली अगर किसी प्रॉब्लम के सोलूशन के स्टेप्स को आपने रिप्रेजेंट करना है तो वो आपका होता है फ्लो चार्ट और अगर आपने किसी प्रॉब्लम के सोलूशन को अपनी लैंग्वेज में स्टेप्स में ही आपने उसको सॉल्व करना है या फिर शो करना है तो उसको हम एल्गोरिथम के लिए यूज़ करेंगे ठीक है ये जो आपके पास एक टेबल है इसको देख लीजिएगा इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलगोरिदम अब वो एलगोरिदम के बारे में भी बताएगा जी अब एलगोरिदम में ये जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं पहले आपने इसको स्टार्ट करना होता है फिर इनपुट लेना होता है ठीक है फिर सेट इट इज़ यूज्ड टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी आपने कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को कोई नेम देना है उसके लिए आप सेट का यूज़ करेंगे इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं इफ़ और एल्स में यही फ़र्क होता है मतलब फ़र्क नहीं ये इकट्ठी होती हैं सॉरी अगर मतलब आपके पास आपके पास कोई डाटा है आप कहते हो जी भाई अगर ये होता है तो ये शो कर दो अगर नहीं है तो फिर इसको कर दो आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं आपने एक को फेल करना है एक को पास करना है ठीक है अग आप कंडीशन लगा देते हो ठीक है अगर तो भाई इसके ट्वेंटी परसेंट के ऊपर मार्क्स होते हैं टेस्ट में तो इसको जी आप पास कर दो अगर नीचे हैं तो फिर एल्स क्या करो इसको फेल कर दो गोटो स्टेटमेंट इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स ये आप ज़्यादा भी ना गहराई में जाएं बस इसकी डेफिनेशन कर लें वैसे जो गोटो स्टेटमेंट का काम होता है वो आपको एल्बोरिदम बनाया आपने ठीक है उसके किसी सर्टेन स्टेप पे आपने जाना है तो उसको आप मोटो स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो उसी पॉइंट पे उसी स्टेप पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो या उसको डिस्प्ले कर सकते हो आउटपुट की बात करते हैं इट इज़ सॉरी इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़ आउटपुट क्या होता है वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है और लास्ट पर आके आपने एलबोरिदम को स्टॉप करना होता है टर्मिनेशन पॉइंट होता है यानी ख़ात्मे का जो पॉइंट होता है वो स्टॉप होता है एलगोरिदम को भी आपने स्टार्ट से स्टार्ट करना होता है स्टॉप पे एंड करना होता है और ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपने स्टेप्स जो इनको फॉलो करके अपना एलगोरिदम बनाना होता है क्लियर हो गया इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो ही रही है वैसे बट आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर दस पंद्रह मिनट की वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाता है आपको ताकि लिए आसानी है ओके आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट अच्छा जी अब आपने क्या किया सॉल्यूशन आपने एनालाइज प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम एनालाइज़ कर ली उसके सॉल्यूशन के स्टेप्स बना लिए उसको उसका सॉल्यूशन बना लिया अब आपने ये भी तो टेस्ट करना है कि भई जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है वो ठीक भी था या नहीं उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं टेक्निक उसको कहते हैं जी ये टेस्ट डेटा है जिसकी दो फॉर्म्स होती हैं एक होता है जी वैलिड टेस्ट डाटा और होता है इनवैलिड टेस्ट डाटा इसको कर लीजिएगा ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ ठीक है इसके अलावा आपको पेपर में इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला ना ही कुछ आता है ना ही कुछ आने वाला है ठीक है तो आप परेशान ना होइएगा वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है इट इज़ अ टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स सॉरी कम्प्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम ओके

एक रेंज यदि वन से लेके कर हंड्रेड तक अब आपने कोई डाटा जो है उसी रेंज के विद इन दैट रेंज अगर आप उस डाटा को इनपुट करते हो तो वो आपका डाटा क्या होगा वैलिड होगा अगर आपके पास रेंज एक से सौ की है और आप जो डाटा एंटर करते हो वो वन नाइन्टी नाइन का होता है तो वो इनवैलिड डाटा होगा तो आपका एरर आ जाएगा इसकी डेफिनेशनस कर लीजिएगा बाकी ये ईजी है बाकी जो मैंने आपको बता दिया वही है वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ट्रेस टेबल ट्रेस टेबल की भी इन सिर्फ डेफिनेशन कीजिएगा और ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एलगोरिदम्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एर अकरवाल एलगोधम इज़ बींग प्रोसेस्ड अच्छा जी वो कहता है जी एलगोरिदम क्या होती है एक टेक्निक होती है जो कि यूज किस लिए यूज़ होती है टेस्ट करना होता है अपने एलगोरिदम को जैसे हमने वो वैलिड टेस्ट और इन वैलिड टेस्ट हटा देखा था ठीक है और उसके अलावा आप ट्रेस टेबल भी यूज़ कर सकते हो ट्रेस टेबल आप देखते हो कि कोई लॉजिकल एरर तो नहीं आ रहा आपके एल्गोरिदम में यानी आप कोई लॉजिकली जीरो पर डिवाइड वगैरह तो नहीं कर रहे कुछ मसला तो नहीं हो रहा लॉजिकल ठीक है तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है और हमारा पूरा यूनिट कम्प्लीट हो चुका है आप मुझे बताइएगा <coughs> कमेंट्स में अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो आपकी ये जो सारी है एक्सरसाइज़ के सारे क्वेश्चंस जो है उन पर बनाऊँगी ताकि आपका जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं देखेंगे कि क्वेश्चन भी क्या हम ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस पर भी ज़्यादा मज़ा आएगा हमें तो इसी के साथ हम वीडियो को लास्ट एंड करते हैं तो गॉड ब्लेस यू अपना बेस्ट दीजिए और खुदा हाफिज़